मोरल, वी शुड नेवर बी ग्रीडी और सेल्फिश। और सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अचानक से वीडियो बंद हो गया। तो आपको कैसी लगी स्टोरी, लाइक कमेंट करके बताओ और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अभी हम मैं आपको बताती हूँ मैंने डिटेल में हिंदी में कि मैंने कैसे लिखा, क्या लिखा है। सॉरी, एक बार की बात है, एक पुराने गांव में एक फैमिली लिव करती थी एक झोपड़ी में। उस परिवार में दादी, दादा, मम्मी, पापा, एक बच्ची और एक बेटा। बेटा का नाम था मोंटू। मोंटू बहुत ही शातिर दिमाग का था और समझदार था। एक दिन मोंटू को उसकी मनपसंद सब्जी खाने का मन हुआ लंच के लिए खाने में। तो उसने उसकी जो आलू की सब्जी थी, तो उसने उसकी मम्मी को बोला, हाँ आलू की सब्जी बनाना। और उसके बहन को तभी एप्पल खाने का मन हुआ, तो उसने उसके मम्मी को बोला एप्पल दो। तो दोनों की मम्मी ने उन दोनों को बोला एप्पल भी घर पे नहीं है और पोटैटो भी घर में नहीं है। तो मोंटू चला गया फ्रूट और वेजिटेबल खरीदने। फिर मोंटू ने पोटैटो तो ले लिए और बाकी जो सब्जी उसके मम्मी ने उसको बोली थी। फिर वो गया एप्पल और दूसरे कुछ फ्रूट्स लाने के। मोंटू ने फ्रूट वाले से कहा, हाँ आधा किलो एप्पल दे दो। तो वो जो फ्रूट वाला था ना, उसमें सिर्फ 400 ग्राम की एप्पल्स दिए मोंटू को। और मोंटू को ये बात पता चली तो उसने उसको ये चीज़ ही मोंटू। फिर उसने बोला वेंडर को कि आपने हाफ किलो, आधा किलो नहीं दिया, आपने 400 ग्राम दिया, यानी आधा किलो से और कम। तो फ्रूट वेंडर ने बोला कि उसने बराबर हर माप करके बराबर एप्पल्स दिए हैं। फिर वो समझदार मोंटू ने 400 ग्राम एप्पल्स के लिए ही पे किया। फिर फ्रूट वेंडर ने आधा किलो एप्पल्स का पैसा मांगा। तो मोंटू ने बोला कि तुमने मुझे फुल हाफ किलो वो एप्पल नहीं दिए, तो मैं तुम्हें क्यों दूँ पूरे पैसे 400 ग्राम के। फिर वेंडर ने बोला तुमको पकड़ के घर ले जाने के लिए इजी रहे, इसके लिए मैंने तुम्हें कम दिया एप्पल। तो फिर मोंटू फिर से बोला, तो वो मैंने भी तुम्हें कम पैसा इसके लिए दिया क्योंकि तुम्हारे लिए इजी जाएगा ना पॉकेट में डाल के ले जाने के लिए। और मोरल है, हमें भी हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज कॉम्प्रेजेशन, ये हम करेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।